नमस्कार दोस्तों, सेंट सोल्जर टाइम्स तो मैं हाँ कोमल। हर इंसान को खाना बहुत पसंद होता है, खास कर जे कि गल हो पकौड़िया की। पकौड़े अलग अलग तरह के होंगे ने, पर बहुत सारे पकौड़े अज खाने मिलेंगे सेंट सोल्जर टाइम्स। सो असी पहुंचे हाँ जी कृष्णपुरा चौंक के, जो कि अग्रवाल वालों की शॉप है। आओ फिर देखते हैं किड़े किड़े पकौड़े ने इन्हों की दुकान पर। दोस्तों, चाहे होवे गर्मी, चाहे होवे सर्दी, चाहे होवे बारिश वाला मौसम, इस दुकान पर हमेशा भीड़ लगी रहती है पकौड़े खाने वालों की। ही ऐसा खास इन्हों का जायका जो अजे तक इन्ना फेमस है और बरकरार है। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी। की नाम है जी थोड़ा? पंकज अग्रवाल। पंकज जी, किन्ने टाइम तो दुकान पुरानी है? ये लमसम अपने 22 साल हो गए, पापा ने शुरू किया है काम जी। 22 साल तो इतनी महाराज देना चलता आ रहा जी। इस चीज़ की गरंटी अपने को 30 तरह के पकौड़े मिलते, जो पूरे शहर चो नहीं मिलते। 30 तरह की लमसम वरायटी हो जाती रोज़ अपने। समोसे, पनीर पकौड़े आ, चीज़ फिंगर आ, आलू फिंगर आ, कचालू के पकौड़े, मूंगी दाल के पकौड़े, मशरूम के पकौड़े आ, पनीर टिक्का, गोभी आ, स्प्रिंग रोल, सीख कबाब, वैज रोल, वैज कटल, काफ़ी आइटम को कि जिथे कोई भी गाहक आवे उसकी हरेक संतुष्टि हो जाए, जो भी वह मनपसंद हो गया। एक स्वाद इदा की चीज़ आ कि कस्टमर को हरेक चीज़ का स्वाद मिले अलग अलग, तो खुश हो जाता। इस करके आप हरेक चीज़ का स्वाद हरेक आइटम के वक्ो वक् स्वाद रखा है। तो स्पैशली अपना पनीर जो इदा का वा कि कोई भी खा ले तो मक्खन, कोई कह नहीं सकता कि पनीर खा रहे हैं, इन्ना सॉफ्टनेस पनीर का। अक्सर मैं कहनी हाँ पकौड़े वाली दुकान तुम बहुत देखिया होनी है, बहुत वीडियोज़ भी देखिया होनगियाँ, पर यह साढ़े जलंधर की एक ऐसी दुकान है जिथे 30 तरह के पकौड़े मिलते हैं, जो कि वीर जी ने दसे ने। सो 30 तरह पकौड़े बनाने का की रीज़न सी? क्योंकि अक्सर बंदा कहता दो चार तरह के पकौड़े बना लिए बस बहुत है, 30 तरह का की रीज़न सी? वखरा नाम कमाना? बस दादा जी ने काम शुरू किया अज तो 55 साल पहले, फिर साड़ी उदा पुरानी शॉप हैगी लाल बाजार, उतों की कम शुरू होया, जिते खोल ली एक शेखा बाजार खोल ली दुकान, इदे इदे काम वधदा गया महाराज दे नाल। तो अज अपने 55 साल पुरानी शॉप जी अटारी बाजार वाली, इनू 22 साल हो गए, तो पापा पिछले साल एक्सपायर हो गए, तो हूँ उस तो बाद अगर सामभ रहे असं। मतलब जो उन्होंने काम से अज भी बरकरार रखा है, ये सोहनी गल है। देखो वो एक तुम रोज़गार दे के गए, इन्हें बरकरार ही रखना पैना है। किड़े ज़्यादा पकौड़े बिकते हैं महाराज देना? सारे ही सब इदा ही आ, बिकी जाते सब वधिया बिकते। स्पैशल एक स्पैशल डिमांड होंगी ना, असं पकौड़े पनीर वाले खाने हैं या फिर समोसे खाने हैं या कटलेट खाने हैं? एक जिदा समोसे, गोभी, पनीर, ब्रैड, ये तो नॉर्मल है ना, हरेक जगह मिलते हैं। जेडे साडे कोल स्पैशलिस्ट आ जिदा न्यूट्री के पकौड़े, मशरूम के पकौड़े, मशरूम पॉपकॉर्न है, चीज़ फिंगर आ, फ्रेंच फ्राइज आ, कचालू फिंगर आ, मूंग दाल के पकौड़े आ, स्प्रिंग रोल आ, सीख कबाब आ, वैज रोल आ, फ्राइड सोया चाप आ, जी कोई बनाता ही नहीं फ्राइड सोया चाप, उस तो अलावा वैज कटलेट वगैरह, समोसा, पनीर टिक्का, जिदा आप तंदूरी पनीर टिक्का खाने, पनीर प्याज टमाटर शिमला मिर्च लगा होंगे, उदा ही सेम असी फ्राइड बनाई दा। तो गाहक सोच नहीं सकता, किसी ने मिनी बर्गर किया, किसी ने उन्होंने सैंडविच किया, वो दरअसल जो असी चीज़ टिक्का कहने। किन्ने उदा तो असं जो भी आने लाइन लगी ही रहती है कस्टमर से, किन्ने ने कभी इदा के कस्टमर ने कहा कि अज असी रोटी नहीं खानी, सवेर तो लेकर शाम तक पकौड़े खाने हैं? कस्टमर आते हैं लेकिन फ्राइड चीज़ आ, गाहक जिन्ना का उस हिसाब न जिदा उन्होंने स्वाद हों, जिनी को इच्छा होंगी उस हिसाब भरपूर खा के जाता, क्योंकि वो यही है कि चल एक खाधा यार बस मेरा तसली होगी, वह कहना नहीं यार मैं दो होर खा ही लवा, कि चल जिनी होर थोड़ी बहुत जगह है उन्नी खा लवा। इस हिसाब से सानू रिस्पोंस तो कस्टमर का वधिया मिलता, बाकी आप कस्टमर भी इन्नी गल कही किसी चीज़ की कमी पेशी लगती सूँ जरूर दसो, असं उन्होंने दोबारा सही करिए, तो ही थ्रू सूँ पता लगना, क्योंकि असं रोज़ हरेक आइटम तो नहीं खा सकते, कस्टमर ने हरेक आइटम खा लेनी, उन्होंने एक तो आऊगा जिन्हें सूँ दसना, लेकिन परमात्मा की दया नाल अज तक कोई इदा चांस नहीं आया कि कस्टमर ने कहा, बाकी ठीक है सब वधिया चल रही है। केड़ा तेल यूज करते हो? अपना जिहड़ा डालडा कंपनी का रिफाइंड कॉटन सीड, इस तो उपर मेरे हिसाब नाल तेल नहीं कोई हैगा, बिल्कुल वाइट तेल हुंदा ते एकदम नवा तेल हुंदा, ते डालडा कंपनी का तेल उदा भी बेस्ट आ कंपनी दे विच, तां फर्स्ट नंबर ते ओही वरतीदा सी। सो ये दुकान का पूरा एड्रैस दे दो, ताकि जिहड़े साडे स्रोते ने खाण दे चाहवान ने, खास करके पकौड़े, पकौड़े खाण दा हर कोई दीवाना है, तो किवें पहुंचे तुहाडी शॉप ते? ये अपना दमोरिया पुल रोड है किशमपुरा, शॉप का नाम है अग्रवाल चीज़ कॉर्नर, इतने आगे किसी ने भी बोले संती मार्केट के अग्रवाल चीज़ कॉर्नर, दूरों दूर उदा ही तुम किसी ने भी पूछ लो अग्रवाल पकौड़े वाले, उन्होंने दस देना तुम्हें कि इस जगह से शॉप अग्रवाल पकौड़े।
ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਨਾਮ ਹੀ ਕਾਫੀ ਹੈ ਅਗਰਵਾਲ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪਕੌੜੇ ਵਾਲਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਚੀਜ਼ ਕਾਰਨਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਾਇਕਾ ਹੈ ਜੋ ਅੱਜ ਸੇਂਟ ਸੋਲ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੜਕਾ ਲਗਾ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਿਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਪਕੌੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਰਸਨ ਹੋਰ ਵੀ ਨੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਸਰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਮਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਸੇਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਮੈਨੂੰ 14-15 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਜੀ ਉਦੋਂ 22 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਦੁਕਾਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਪਾ ਕਰ ਰਹੇ ਫਿਰ ਪਾਪਾ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਇਆ 15 ਸਾਲ ਮੈਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਇੱਥੇ ਕਦੇ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਚੀਜ਼ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਣਾ ਬਣਾ ਕੇ ਅੱਕ ਗਿਆ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ ਕਦੇ ਇੱਦਾਂ ਹੋਇਆ ਡੇਲੀ ਖਾਈਦੇ ਜੀ ਡੇਲੀ ਕਦੀ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਾ ਖਾਈਏ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੀਜ਼ ਵਿਕਦੀ ਹੈ ਮਨ ਮਾਲਮੋ ਸਾਰੇ ਹੀ ਵਿਕ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸਾਡਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਨੀਰ ਫੇਮਸ ਹੈ ਪਨੀਰ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਕਦਾ ਓਕੇ ਪਨੀਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸਮੋਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਮਸ਼ਰੂਮ ਪਕੌੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਕਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਦਾਲ ਦੇ ਪਕੌੜੇ ਹੋ ਗਏ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਐਟਮਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਪਿੱਛੇ ਜੀ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਵੀ ਆਇਆ ਕੁਝ ਫਰਕ ਪਿਆ ਗਾਇਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਉਦਾਂ ਦੀ ਗਾਇਕੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਫਰਕ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਪਿਆ ਸੀਗਾ ਪਰ ਫਿਰ ਰੈਗੂਲਰ ਉਦਾਂ ਹੀ ਹੋ ਗਏ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਲਈ ਫਰਕ ਪਿਆ ਸੀ ਮਹੀਨੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਫਿਰ ਰੈਗੂਲਰ ਉਦਾਂ ਹੀ ਹੋ ਗਏ ਕਸਟਮਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਚੀਜ਼ ਇੱਥੋਂ ਵਧੀਆ ਮਿਲਣੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਣਾ ਜੀ ਅਦੀ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਸਵਾਦ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਨਾ ਫਿਰ ਚਾਹੇ ਕੈਨੇਡਾ ਅਮਰੀਕਾ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਚਲਾ ਜਾਵੇ ਉਹਨੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਖਾਣੀ ਹੀ ਖਾਣੀ ਹੈ ਸੋ ਸੇਂਟ ਸੋਲ ਦੇ ਟਾਈਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਹੈ ਜੀ ਪਕੌੜੇ ਦਾ ਜ਼ਾਇਕਾ ਸੋ ਪਕੌੜੇ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੇ ਵੀ ਨੇ ਪਰ ਅੱਜ ਖਾਣ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਣਗੇ ਜੀ ਅਗਰਵਾਲ ਸਵੀਟ ਚੀਜ਼ ਕਾਰਨਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋ ਅਗਰਵਾਲ ਚੀਜ਼ ਕਾਰਨਰ ਦੀ ਇਹ ਫੇਮਸ ਸ਼ਾਪ ਜੋ ਕਿ ਕਿਸ਼ਨਪੁਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਸੋ ਵਟ ਇਜ਼ ਯੋਰ ਸੇਂਟ ਸੋਲ ਦੇ ਟਾਈਮਸ ਨਾਲ ਕੁਝ ਇਦਾਂ ਦੀ ਖਾਸ ਸਟੋਰੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂ ਰੂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਕੋਮਲ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਵਿਨੋਦ ਦੇ ਨਾਲ